लेकिन उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उन्हें खूब नहीं मिलता। अच्छा एक जेड़ा खाने चले ने ना कालू के दिल पर, मेरा कालू की मैं जब भी कैसर सनाउल्लाह साहब का ड्रामा शुरू होता मैं बच्चों को ससुराल भेज देता हूँ। अब मैं 24 घंटे रिहर्सल में ही बताओ भैया अपना 9 बजे भी जब खुल गई कोई दिमाग नहीं स्टार्ट से लेकर यार थोड़ी थोड़ी जगह खुली खा जाओ बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो मैंने गिटार पहना हुआ है ये मैंने खुद से भी पहना है, ये कैसर सनाउल्लाह साहब ने पहनाया है मुझे, क्योंकि ये म्यूज़िकल खेल हो रहा है। मेरा नाम है जोकर और मेरा नाम जोकर जो है ये पहली दफ़ा आप देखेंगे कि जो इसके अंदर म्यूज़िक है जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है मेरा नाम जोकर। और बहुत खूबसूरत कहानी है, बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा है जिसकी रिहर्सल जारी है, अभी आपको हम गाकर भी दिखाएंगे। शकील चंद साहब ने अपनी आवाज़ में गाने गाए हैं, अपना म्यूज़िक तैयार किया है, अपनी कंपोजिंग है, अपनी मौसीकी है, कोई किसी का चोरी कर दिया, धुन तो है जिसकी भी है लेकिन गाया इन्होंने और हमने म्यूज़िक साथ बजाया है। कैसा बजाया है वो आपको बताएंगे अभी जब गाना लगेगा। और अल्लाह की रहमत से रिहर्सल में हम ये जब कैसर सनाउल्लाह साहब की रिहर्सल शुरू हो जाती हैं हम बच्चों को वसीयत कराते हैं कि अगर हम जिंदा आगे तो आमीन कहिएगा, अगर हम जिंदा ना आए तो हमारे लिए दुआ कीजिए। अख खोल ली तो रिहर्सल के जाल वेखे, असी रिहर्सल तो वेखते बाल वेखे। ये रिहर्सल जी दिन को भी होती है, घर से हम शेव करके आते हैं रिहर्सल पे और जब घर जाते हैं तो फिर शेव आ जाती है। कितनी रिहर्सल करा है? चलो बोलो क्या कहेंगी ड्रामे के हवाले से। ड्रामे के बारे में मैं ये कहूँगी कि हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है जिसकी रिहर्सल जुमे वाले दिन से स्टार्ट है और ये फैमिली ड्रामा है, म्यूजिकल ड्रामा है, तो मैं कहूँगी खुद भी आए अपनी फैमिलीज को भी लेके आए, ये फैमिली ड्रामा। कितनी तब्दीली देख रही हैं आप इस ड्रामे में, ये जो जोकर चल रहा है आप मेरी सेहत में तब्दीली देख रहे होंगे, मैं इतनी तब्दीली देख रही हूँ इस ड्रामे में, जो रिहर्सल्स में ये हाल है मेरा तो ड्रामा सोचें कि क्या होगा। आउटडोर में क्या ऐसे ड्रामे चलते थे जो इस आउटडोर को छोड़ दें आप, मैं तो आउटडोर को वैसे ही भूल गई हूँ कि मेरे जहन में नहीं आता, तो अब सिर्फ ये लाहौर ही है और ये हमारा थिएटर और हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, सब आइए जी। खान साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद खान है जैसा कि आप जानते हैं और सब 25-30 साल से इस थिएटर पर काम कर रहा हूँ। ये ड्रामा जो मैं जोकर कर रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का एक अछूता रोल है, वैसे अल्लाह ने जब भी मेहनत की उसमें अपनी मदद की और बड़ा अच्छा ड्रामा है जोकर। इसमें प्रोड्यूसर राइटर और डायरेक्टर का मैं रोल कर रहा हूँ जो एक पिलर है ड्रामे का। बाकी ये ड्रामा देखने आए हमेशा आपकी उम्मीदों पे पूरे उतरे हैं और अब भी, और इस ड्रामे की खसूसियत ये है कि हम शो के बाद भी रिहर्सल करते हैं और इस वक्त हम शो से पहले भी रिहर्सल कर रहे हैं ताकि सोते हुए भी हम रिहर्सल कर रहे होते हैं। और ये बात सच्ची कर रहा है ससुराल, मैं जब घर जा कर सोता हूँ तो मैं रात को सोते हुए भी ड्रामा कर रहा हूँ। सर सोते हुए तो आप कर रहे हैं मुर्शिद, लेकिन हम आते जाते ड्राइव करते भी डायलॉग ही याद कर रहे हैं। और मुझे मेरे बच्चों की कसम कल मैंने अपनी बीवी को हाथ पकड़ के एक डायलॉग बोला क्योंकि मेरा ड्रामे में एक डायलॉग था, तो मैंने उसे पकड़ के कहा, मैं क्या हाँ तुम्हें क्या हुआ, मैं क्या मैंने कुछ नहीं होया, कैसा सनाउल्लाह साहब ने कुछ हो गया, साढ़े लिए चैलेंज है और इस चैलेंज असी किस हद तक कामयाब हाँ, तुम आओ तमाशील दिया बावा थिएटर दियाँ खोल के ताड़ा वेट कर रही हैं, रक्षे गड्डियाँ मोटरसाइकिल चिंगचियाँ सारिया मोड़ के ते आयो रब दी सौ, ये नहीं कि मैं इत कम कर रहा ये ड्रामा मिस करने वाला नहीं, आओ देखो और महसूस होवो और मेरा वादा है तोड़ना तुसी कहने ते मजबूर हो जोगे कि अख खोल ली ते रिहर्सल दे जाल वेखे, असी रिहर्सल तो वेखदे वाल वेखे, सद कैसर सनाउल्लाह नूं उन्होंने कह मेरी धमाल वेखे, जे कल भी रिहर्सल करानी है तो उन्होंने कह 1-1-2 दे नाल वेखे। इसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रिहर्सल कितनी और काम किस लिए हो रहा है और सिर्फ आपके लिए कि आप महसूस हो। तो और 11 अगस्त हम वेट कर रहे हैं 11 अगस्त से ड्रामा देखने आइए तमाशील हॉल में, 14 अगस्त और 14 अगस्त भी हमारे साथ मनाए जश्न-ए-आज़ादी को दो शो होंगे, जश्न-ए-आज़ादी कहीं हम आजाद हो जाएं उस दिन हम भी रिहर्सल से आजाद हो जाएंगे। यूदी हमें आजादी के दुनिया हुई है रा, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है, जिन्ने मर्जी खुश हो वो 12 अगस्त में भी रिहर्सल जी। जी जी साहब कितने साल हो गए आपको रिहर्सल करते हुए ड्रामों में और ड्रामों में काम करते हुए? जनाब
ड्रामा करते हैं तो 20 साल हो गए हैं, लेकिन हुण अल्लाह का शुक्र है कि पक्के डायरेक्टर आ गए हैं, कैसर सनाउला ठीक है जी, सानू भी पक्का काम करन दा मौका मिल रहा और असी बड़े खुश हाँ, बहुत असी हैप्पी हाँ, क्योंकि सानू अच्छे रोल मिल रहे हैं जी। तोती क्या कहेंगे आप जी? नर्सिंग हॉस्पिटल का मैं जिला बड़ा अच्छा कैरेक्टर मेरा इस ड्रामे जोकर च, मैं काफ़ी अरसे बाद तमाशी लाया वहाँ तो अज मज़ा आ रहा है कि वाकई स्क्रिप्ट होना शुरू हो गया काफ़ी अरसे बाद, और अच्छा ड्रामा फैमिली ड्रामा वो भी तमाशील 11 अगस्त को जुमे वाले दिन 14 अगस्त के 2 शो स्पैशल हो गए साढ़े न। चौड़े पहुंचे वाली पैंट हरिया शर्टा ने, तो एक कैटरिया सुरख शर्टा ने, बस ए दो ड्रैस ने जी जी भी ठीक आएगी। और थोड़ा बहुत फर्क ही हो जाए, दोनों ग्रीन हो गए इको जी शर्टा। हाँ जी, और तुम्हें यदा ना लेना है मज़े खां इस करके कि ना पाता लोगों ने कि म्यूजिक ही ऐसा बना तो यार मज़ा आ जाता है मज़े खां तुम यदा ना ठीक है ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਖਲਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਲਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵਿੱਚੀ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਖਲਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵਿੱਚੀ ਖਲਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਮਜਦ ਰਾਣਾ ਕਰਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਲਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਾਰਾ ਸਿੰਘ